दोस्तों आज तो बात होगी सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में। इसके डब्बे में क्या क्या है वो तो बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करेंगे नोट 20 अल्ट्रा की, साथ ही मैं आपको सात ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, अगर आप इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलिए। तो भाई पिछले साल जो नोट डिवाइस लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी नोट 10, ये जो नोट 20 अल्ट्रा है ये उसका सुपर डैडी है। मतलब जिसे कहा जाए फीचर्स में, स्पेसिफिकेशंस में, सारी चीज़ों में उसका बाप समझिए इसको, सर्वशक्तिमान नोट डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी नोट डिवाइस। तो पर इसके डिब्बे में क्या क्या है, इस डब्बे के अंदर क्या क्या है, चलिए वो आपको बता देते हैं। तो इसके डब्बे में आपको मिलता है, देखिए, एक तो जिसे कहा जाए ये खूबसूरत मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर का ये खूबसूरत सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 डिवाइस है। साथ में इसके डब्बे में आपको मिलेगा सुपर फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर, जो सैमसंग के मुताबिक आधे घंटे में फ़ोन को जिसे कहा जाए 60% चार्ज करने की काबिलियत रखता है। साथ में इसके साथ मिलेगा एक सिलिकन केस, AKG के शानदार ईयरफोन्स जिसमें मटेरियल जो लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल लगता है। तो बेसिकली फ़ोन के अंदर, बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो भाई लोगों, डब्बा तो खोल लिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ सात ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, अगर आपको ये फ़ोन ज़रा सा भी पसंद आ रहा है। तेज तर्रार परफॉर्मेंस वाले तो फ़ोन आपने बहुत सुने होंगे, अब तेज तर्रार डिस्प्ले वाला फ़ोन भी देख लीजिए। नोट 20 अल्ट्रा के अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला अडैप्टिव डिस्प्ले दिया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि भैया ये अडैप्टिव डिस्प्ले होता क्या है, तो भैया इसका डिस्प्ले जो है वो आपकी यूजेस के हिसाब से रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, वेब पेजेस को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसका डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर स्विच हो जाएगा, जिससे आपको गेम खेलते वक्त या फिर वेब सर्फिंग करते वक्त, स्क्रोलिंग करते वक्त आपको एकदम मक्खन बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर्स कर रहे हैं तो इस फोन का डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपको लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी और साथ में QHD रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा इसकी स्क्रीन के ऊपर और बैटरी भी बचेगी। अब ये तो सब जानते हैं कि गैलेक्सी नोट सीरीज का एक आइकॉनिक फीचर होता है वो ये एस पेन होता है, ये पिद्दू सी डंडी जो हर सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज के डिवाइस के साथ आती है। पर गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के साथ मिलने वाला ये जो एस पेन है, ये पिद्दू सी डंडी, ये छोटी सी जादुई छड़ी, मतलब मैजिक वैंड तो है पर ये जादू की छड़ी, पहले बड़ी आसानी से खोने का डर लगा रहता था, पर ये वाला जो एस पेन है ना, ये इतनी आसानी से खोएगा नहीं। नोट 20 अल्ट्रा का एस पेन आता है एस पेन प्रॉक्सिमिटी अलर्ट के साथ, जिससे अगर एस पेन कहीं छूट गया आपसे गलती से, कहीं पर आप भूल गए या आप इसको भूल कर अपना फ़ोन लेकर कहीं दूर जाने लग गए, तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में बाजा बजने लगेगा। अब इस फीचर की मदद से आप एस पेन को भूलेंगे नहीं, बस आपको करना ये होगा कि एडवांस्ड सेटिंग्स में जाकर पेन प्रॉक्सिमिटी अलर्ट को इनेबल करना ना भूलिएगा। अब एस पेन से स्क्रिबलिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। सैमसंग के इंजीनियर्स ने इस एस पेन की लेटेंसी को 9 ms तक कर दिया है, जिससे अब नोट 20 अल्ट्रा की स्क्रीन के ऊपर अब आप एस पेन की मदद से कुछ भी लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सचमुच के पेन से ही लिख रहे हैं। ट्राई कीजिएगा यार। नोट 20 अल्ट्रा को हाथ में लेते बराबर ना, एक चीज़ के ऊपर जो सबसे पहले ध्यान जाता है वो ये कि इसका बैक पैनल पर ये जो बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल लगाया है ना यार, ये बहुत बड़ा है। और अगर इसको आपने सपोज टेबल पे रखा और आप कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऐसे खड़खड़ 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 करके हिलता रहता है। मतलब माना कि इस बार नोट 20 अल्ट्रा का
कैमरा जो है वो बहुत सॉलिड बनाया है सैमसंग ने, बहुत तगड़ा बनाया है, पर एक कैमरा मॉड्यूल को इतना बाहर निकालने की ज़रूरत क्या थी? मतलब बॉस यार मज़ा नहीं आ रहा, ये तो मतलब जीन्स की पॉकेट में भी अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये एकदम अलग से ही बाहर उभरा हुआ सा दिखेगा। मतलब ये चीज़ में मतलब जिसे कहा जाए थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आ रहा। नोट 20 अल्ट्रा को पहली बार देखने से ही एक बात का एहसास तो आपको मतलब एक मिनट में ही हो जाएगा, वो ये कि यार ये फ़ोन बहुत बड़ा है। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आपके वो क्यूट से छोटे छोटे से हाथ हैं, छोटी छोटी उंगलियों वाले, तो इस फ़ोन को हैंडल करने में मतलब आपको लिटरली पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक बार को जी अगर आपको इतने बड़े फ़ोन की आदत भी पड़ गई, तब भी वो छोटी छोटी क्यूट सी उंगलियों से आप एक हाथ से तो इस फ़ोन को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो भैया नोट 20 अल्ट्रा अगर पसंद आ रहा है तो अपने पॉकेट साइज, बैंक बैलेंस के साथ साथ अपनी उंगलियों के साइज को भी कंसिडर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में ना कहना कि आपने बताया नहीं। एक बात तो पक्की है कि इस फोन को देखते ही इसकी स्क्रीन पर आपकी नजर जरूर जाएगी, और सैमसंग ने नोट 20 अल्ट्रा में एक नंबर की स्क्रीन लगाई है। मतलब ये पंच होल डिस्प्ले जरूर दिया गया है, पर इसकी आदत पड़ जाती है थोड़े ही वक्त में, लेकिन पंच होल डिस्प्ले देने के कारण इसके ऊपर आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, एज टू एज डिज़ाइन देखने को मिलती है डिस्प्ले की, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है, जिससे वीडियोज़ गेम खेलने में तो मज़ा आता ही है, लेकिन इस पर आपको एस पेन पर ढेर सारा खेलने के लिए भी आपको ज़्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। नोट 20 अल्ट्रा लेने के बारे में सोच रहे हो तो एक बात आपको जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि नोट 20 अल्ट्रा इस वक्त दुनिया का सबसे पहला इकलौता ऐसा फ़ोन है इस वक्त आज की तारीख में जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस के प्रोटेक्शन के साथ आता है, फ्रंट और बैक पैनल दोनों तरफ से। अब गोरिल्ला ग्लास विक्टस कितना ज़्यादा रफ एंड टफ है उसके लिए भाई का ये वीडियो देखिए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस होने के कारण नोट 20 अल्ट्रा मतलब फ्रंट और बैक दोनों के मामले में, प्रोटेक्शन के मामले में एकदम ओपी है। अब क्या और भी बातें बताऊं? अरे भैया रिव्यू के लिए कोई चीज़ें छोड़ोगे या सारा ज्ञान इसी वीडियो में ले लोगे? देखो भाई, झूठ बोलने की मेरे को आदत है नहीं और आपका भाई झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। यहाँ पर इस फ़ोन को, नोट 20 अल्ट्रा को इस्तेमाल करते हुए मुझे करीब 5-6 दिन हो गए हैं, और इस वक्त के दौरान मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी इस फ़ोन में, क्या चीज़ें बुरी लगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए, झूठी तारीफ करने की मेरी आदत नहीं है, इसी तरीके से फालतू में किसी फ़ोन की टांग खिंचाई करते हुए इसकी ज़बरदस्ती बुराई करने की भी मेरी आदत नहीं। अब इस फ़ोन का रिव्यू, नोट 20 अल्ट्रा का रिव्यू आएगा अगले हफ्ते, तब तक वेट कर लो यार। और हाँ, मैं अब इस फोन को टेस्ट करने के लिए जाता हूँ, आप भी काम धंधे पर लगो। लेकिन जाने से पहले यार वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अच्छा लगता है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी के लिए बस इतना ही, सी यू।